गुजरात में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने से पहले कांग्रेस ने पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ठाकुर को गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठाकुर ने अमित चावड़ा का स्थान लिया है, जिन्होंने कुछ महीने पहले स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे कुछ वक्त पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के पूर्व मंत्री रघु शर्मा को गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली का प्रभारी नियुक्त किया था, खासकर जब गुजरात में अगले साल दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ठाकुर के हाथों में ऐसे समय में पार्टी की कमान सौंपी गई है, जब पार्टी कई चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने चुनाव में 182 सीटों में से 77 पर जीत हासिल की थी। वहीं इस साल के शुरू में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2019 के संसदीय चुनावों में कांग्रेस पार्टी गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। कांग्रेस 2019 में राज्यसभा उपचुनाव में खराब प्रदर्शन कर पाई थी और वो भाजपा से दोनों सीटों पर हार गई थी। 2019 में कांग्रेस के 11 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 2019 में उपचुनाव में पार्टी ने 6 में से 3 विधानसभा सीटें जीती थी और वहीं 2020 में पार्टी ने फिर से अपने 4 विधायकों को खो दिया, जिन्होंने 2020 में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था, जिसमें केवल शक्ति सिंह गोहिल ही एक सीट जीतने में सफल रहे थे। 3 अन्य भाजपा ने जीती थी और वहीं महामारी के दौरान कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं अहमद पटेल और AICC गुजरात प्रभारी राजीव सातव को खो दिया था। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।